आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा 20 दिसंबर को गुहला के गांव भागल में पहुंचेगी। यात्रा की तैयारियों की पत्रकारों को जानकारी देते हुए सोमवार को पार्टी के कर्मचारी विंग उपाध्यक्ष निरंजन गुज्जर व जिला उपाध्यक्ष एससी विंग अमरेंद्र सिंह ने बताया कि यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां लगाई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा में बदलाव यात्रा का आगाज कर चुकी है, जिसके चलते बदलाव यात्रा काल का विधानसभा से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय सचिव निर्मल सिंह मोहड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा के नेतृत्व में अलग अलग विधानसभा से होकर 20 दिसंबर को हल्का गुहला के गांव भागल में दाखिल होगी। भागल में जनसंवाद व सांस्कृतिक कार्यक्रम उपरांत चीका अग्रवाल धर्मशाला में रात्रि ठहराव होगा। दिसंबर 1921 को सुबह चीका अग्रवाल धर्मशाला में पत्रकार वार्ता उपरांत शहर में प्रदर्शन उपरांत यात्रा पुंदरी के लिए रवाना होगी। यहां गिरनार स्वीट्स में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया के बिना आम आदमी पार्टी और किसी भी पार्टी का जो काम है वो लोगों तक नहीं पहुंचता। और आम आदमी पार्टी जो अपने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा के 2024 में अपना बदलाव की जो यात्रा है वो लेकर निकली है, वो आप सभी साथियों के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं सभी प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया का यहां पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे जिला के व्यापार संगठन के साथी श्री जगजीत सिंह जी, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं, और हमारे साथ जिला के सचिव श्री कुलभूषण शर्मा जी, वो भी पहुंचे हैं, और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री निरंजन गुज्जर जी, जो के एम्प्लॉय सेल के उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। इनका भी पहुंचने पर धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि हरियाणा में 2024 में सत्ता परिवर्तन को लेकर 2024 में बदलाव यात्रा लेकर निकले हैं, उनके चलते हमारी बदलाव यात्रा कालका से शुरू हुई है। और कालसा के कालका से शुरू होकर जो बदलाव यात्रा है ये 20 तारीख को हमारे हल्का गुहला में वाया भागल होते हुए एंटर करेगी। और भागल में पहुँचने के बाद जो ये बदलाव यात्रा है, रात को रागणी का प्रोग्राम है, और उसके बाद जो ये बदलाव यात्रा है वो रात को अग्रवाल धर्मशाला में रुकेगी, और मॉर्निंग में बदलाव यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से होते हुए सिनेमा रोड और सिनेमा रोड से होते हुए श्री उधम सिंह, शहीद उधम सिंह चौक पर पहुंचेगी, और वहां एक जनसभा करने के बाद ये जो बदलाव यात्रा है, ये बदलाव यात्रा पुंडरी के लिए प्रस्थान कर जाएगी। बदलाव बिल्कुल पंजाब में आप देख रहे हो, पंजाब में बदलाव आ रहा है। हर एक आदमी को जो जन सुविधा है, पानी है, बिजली है, वो सारियां सुविधाएं वो पंजाब में सभी को मिल रही हैं। और सुविधाओं के साथ साथ जो 40 प्लस ऐसी सर्विस है जिसके लिए आम आदमी अपने समय में अपनी दिहाड़ी तोड़कर, जैसे किसी ने लाइसेंस बनवाना है, जैसे किसी ने अपना डोमिसाइल बनवाना है, वो अपनी दिहाड़ी तोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है, लेकिन पंजाब में श्री भगवंत मान जी ने वो सभी सुविधाएं डोर टू डोर पहुँचाने का काम कर दिया है। और वहाँ जो अफसर लोग हैं, जो क्लर्क लोग हैं, वो जाकर डोर टू डोर ये सुविधा देने का काम करेंगे। गुहला चीका से कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।